बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद टी के जी। आज हम आपके लिए आलू की टिक्की और आलू का पराठा की आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट ब्रेकफास्ट बनने वाला है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर हमने लिए हैं 4 आलू। इनको हमने नमक डाल के पानी के अंदर बॉयल कर लिया है। रात को ही मैंने इसको बॉयल करके फ्रिज के अंदर रख दिया था, ताकि इसकी टिक्की जो है वो अच्छे से बने। कोई आटा वगैरह डाले हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनको कट कर लेना है पहले, फिर इसको हम मैच कर लेंगे कांटे से या फिर मैचर से। आपके पास अगर मैचर नहीं है तो इस तरह से आप कांटे से कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से सारे कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर हमने आलू को मैच कर लिया है और इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट हमारी जो है वो छोटी है तो मिक्स करने में ज़रा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर हमने लिए हैं धनिया, इनको हम कट कर लेंगे। और इसके साथ हरी मिर्ची, इसको भी हमने कट कर लेना है और इसको ऐड कर देंगे इस आलू के मिक्सचर के अंदर। और इसके साथ ही हम जो है बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही हम जो है ये मेथी ली है, लीव्स हैं खुश्क। और इसके साथ गरम मसाला और धनिया और कलवंजी, ये भी 1/2 टीस्पून है। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर टेस्ट करके अगर हमें कम लगेगा तो हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। और अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर ज़ीरा या फिर कलवंजी जो है एजवाइन वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है आटा थोड़ा सा, इसके हम 2 बाउल बना लेंगे, छोटे से पेड़े बना लेंगे, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। और ये देखें, इस तरह से राउंड राउंड करके हम इनको बना के एक साइड पे थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के रख देंगे। मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ पराठा आलू का। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारा बैटर हमने बना कर रखा है, इसके हम टिक्कियाँ बना देंगे। आप अपने हिसाब से जितने आप बनाना चाहें उसी हिसाब से अपने आलू लीजिएगा और बनाइएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बनाइएगा। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हम इसको शेप दे लेंगे कबाब की, जैसे हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमारी रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमने ली है एक प्लेट, इसके ऊपर हम जो है आटा को डस्ट कर लेंगे। अगर आप बेलन से बेलना चाहते हैं तो आप बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रोटी को हाथ की हेल्प से बढ़ा रही हूँ। और हमने इसको गोल नहीं बनाना, बस ऐसे ही हमने इसके ऊपर फिलिंग करनी है और जो है इसको दोबारा रोल करना है। और ये देखें, इस तरह से हम जो बचा के रखा हुआ था हमने मिक्सचर, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखें, अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने सारे आलू का जो मिक्सचर है वो लगा लिया है और कांटे की हेल्प से मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, अच्छे से फैला ली हूँ। तो ये देखें, हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से हम बना लेंगे और इसको जो है इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ओह चलो कोई बात नहीं, हमने इसको दोबारा रोल करना है, तो ज़रूरी नहीं कि इसको हम गोल गोल बनाएं। ये देखें, हम दोबारा इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसको जो है पेड़ा बना के इसको दोबारा बेलेंगे, रोटी बना लेंगे इसकी। ये देखें, यहाँ पर हमने बेलन लिया है और इससे जो है रोटी को शेप दे लेंगे। ये देखें, ये थोड़े थोड़े क्रैक्स जो है वो आलू की वजह से आ जाते हैं, तो इससे आप परेशान नहीं होना। ये देखें, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। और हम जो है हमने तवे को धोकर उसको जो है मीडियम टू लो हीट के ऊपर रखा हुआ है, फ्लेम के ऊपर। और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1-2 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल या फिर घी।
आप अपनी चॉइस से बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और ये देखें, एक तरफ से ये सीख गया है, ऊपर तक ये देखें खुश्क सा हो गया है। तो हम इसकी साइड को पलट लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको पकाने में। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो अब हम इसको दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा रहेंगे, या घी जो भी आप लगाना चाहें। तो हम इसको अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और हम दोबारा तवे के ऊपर जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके ऊपर जो है हमने टिक्कियां बनाकर रखी हुई हैं आलू की। आपने देखा कि कोई चीज़ भी हमने इसके अंदर ना मैदा ना आटा और ना ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो ये ऐसे ही बन जाएंगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर दोपहर में या लंच में आप बना सकते हैं। तो ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है, एहतियात से ज़रा आपने इसको करना है। और बहुत ही आसानी से ये देखें दूसरी साइड इसकी पलट जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी टिकियाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। और ये देखें आप अगर इनको बनाएंगे तो कबाब को भूल जाएंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनी है हमारी ये जो जो टिकियाँ हैं, इनका कलर बहुत खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। तो ये देखें इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक मुझे ये कच्ची लग रही है तो थोड़ा इसको और पका लेते हैं। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं, जो कच्चा हमारा एक रह गया था वो भी हम पका लेंगे साथ में। तकरीबन इसको भी 2 से 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखें दोनों साइड से इसको भी पका लेंगे। ये देखें अगर आप को इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नहीं समझ आते तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे, वहाँ से आप जो है लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा जो है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।